फर्जी ड्रग इंस्पेक्टर बनकर अवैध वसूली की जा रही है। जी हां, चेकिंग और अवैध वसूली करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। डॉक्टर और मेडिकल दुकानों से ये अवैध वसूली किया करते थे, बिना लाइसेंस दुकान चलाने पर जेल भेजने की धमकी देते थे। 5 आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। तो बड़ी खबर दुर्ग से आपको बता रहे हैं, जहां पर फर्जी ड्रग इंस्पेक्टर बनकर अवैध वसूली की जा रही है। और जब चेकिंग की गई तो पता चला कि अवैध वसूली की जा रही थी, जिसमें 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। डॉक्टर और मेडिकल दुकानों से ये अवैध वसूली करते थे, उन्हें डराया धमकाया करते थे और लाइसेंस ना होने का डर दिखाकर जेल भेजने की धमकी भी देते थे। तो ऐसे 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ये तस्वीर देखिए इन 5 आरोपियों की, जो डरा धमकाकर अवैध वसूली किया करते थे। कुछ लोग पंडरिया तरफ से आए थे, जो कि नकली ड्रग इंस्पेक्टर बन करके वहाँ का जो जोहन वर्मा है और हेमलाल वर्मा है, तो उनके घर में जाके तुम दवाई रखते हो और हम ड्रग इंस्पेक्टर हैं, तुम अपना कागजात दिखाओ, लाइसेंस दिखाओ करके उनको धमकी दे रहे थे और कुछ दवाई को भी उनसे उठा कर ले गए थे। उनकी प्रार्थी की रिपोर्ट करके थाना में धारा 204 331 1 351 4 35 DNS कायम किया गया है और जिसमें 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। और उस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दिलीप शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिलीप, क्या अपडेट है? 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि अवैध वसूली को अंजाम देते थे। बिल्कुल, ये 5 आरोपी है जो कि धमदा क्षेत्र में फर्जी ड्रग इंस्पेक्टर बनकर वहां पे जो दुकान और मेडिकल और डॉक्टर के जो क्लिनिक होते थे वहां पहुंचते थे और उनका लाइसेंस वेरिफिकेशन जांच करने के नाम पर वहाँ पे उनसे अवैध वसूली करते थे। जैसे ही एक बुजुर्ग को इसके इन पर शक हुआ तो उन्होंने धमदा थाना क्षेत्र में इसकी शिकायत की। इसके बाद पुलिस एक्टिव होकर घेराबंदी कर इन पांचों जो फर्जी इंस्पेक्टर ड्रग्स इंस्पेक्टर इनको गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल अभी पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है, हो सकता है कि और भी इन्होंने कितने लोगों से ठगी का इस वारदात को अंजाम दिया होगा और जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि ये आरोपी और कहां का इन लोगों को अपना शिकार बनाया। बिल्कुल दिलीप, तो जांच के बाद पता चल पाएगा कि आखिर इसमें और कितने लोग शामिल है। फिलहाल तो पूछताछ जारी है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप।